नमस्कार, स्वागत है आपका जयपुर शहर में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखावत। एनबीसी न्यूज आपको लेकर आए जयपुर के उस सबसे बिजी रोड पे जो कि अजमेर रोड कहा जाता है। 200 फीट बाईपास भी यहाँ पास है। जैसे जैसे ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है, ठीक वैसे वैसे ही पॉल्यूशन जो अपर लेवल बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको कुछ पुलिस ऑफिसर से, ट्रैफिक वालों से भी मैं मिलवाऊंगी और उनसे जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस पर। तो देखिए किस तरीके से राजस्थान पुलिस पूरे सख्त आदेश के साथ हाजिर है कि अब राजस्थान में जो ई रिक्शा वालों की जो मनमानी है, जो एक ई रिक्शा के अंदर आप देख सकते हैं जहां 3 से 4 कहूं में सवारियां बैठनी चाहिए, वहां ये 7-7, 8-8 सवारियां लेकर चलते हैं। एक्सीडेंट होने का खतरा भी है, इवन लाइसेंस भी नहीं है। तो राजस्थान सरकार ने जो रूल्स निकाले हैं, जो मैं कहूं निर्देश जारी किए कि अब ज़रूरी है कि राजस्थान में ई रिक्शा अगर आप चला रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। भारी आप सवारियाँ नहीं भर सकते। लाल बहादुर सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या व्यवस्थाएं हैं? आप 200 फीट पर हैं, यहाँ पर कैसे जो ई रिक्शा वाले हैं उनकी क्या मनमानी है? यहाँ पर जो ई रिक्शा वाले हैं वो चाहे जहाँ मनमानी से जयपुर सिटी में कहीं भी खड़े रहते हैं, इनको रूल्स के बारे में ज्ञान नहीं है, इनको मालूम नहीं है और इनके पास में डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। तो हम लोग जितने भी ट्रैफिक के या परिवहन विभाग के जो भी सामूहिक जो अभियान चला रहे हैं, इसमें यही चला रहे हैं कि ट्रैफिक इन ई रिक्शा वालों को समझा रहे हैं कि आपके पास में लाइसेंस होना ज़रूरी है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए आरसी होनी ज़रूरी है, गाड़ी की इंश्योरेंस, इसमें बैठने वाले सवारों की इंश्योरेंस और आपकी इंश्योरेंस होनी ज़रूरी है। ये इंश्योरेंस इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझा रहे हैं इनको और इनके साथ साथ में कितनी सवारी बैठानी है और कैसे करना है और कहाँ पर आपको बंद करना है, स्टॉप करना है, कहाँ पर रोकना है, कहाँ पर सवारी उतारनी है, ये ध्यान में रखता है। और कहीं भी नो पार्किंग, रॉन्ग पार्किंग नहीं करनी है, ये हम समझाई सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, हम लोग आप लोगों की टीम के साथ में इनको समझाने की प्रयास कर रहे हैं। सर, बार बार बहुत सालों से ये जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, आप लोग डेली इनको समझाते हैं, नहीं समझते तब क्या करते हैं? अब ये इनको एक दो बार हम समझाते हैं, समझाने के बाद में भी अगर नहीं समझते हैं तो फिर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर इनके पास डॉक्यूमेंट्स है तो इनके डॉक्यूमेंट जब्त करेंगे, और अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर इनके ई रिक्शा को जब्त करेंगे लास्ट में, यही तरीका है। सही बात है सर। 200 फीट की जो व्यवस्थाओं की मैं बात कर लूँ, यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैम, यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था तो सुचारू है, लेकिन व्यवस्था के कारण ये है कि मेन इसके कमला नेहरू नगर पुलिया का कार्य चल रहा है और कुछ यहाँ जो डिवाइडर्स वगैरह हैं इनकी चौड़ाई कम है, जो उनको तोड़ के कम किया जाएगा उनका, ताकि गाड़ियां यहाँ राउंड कर सकें। और चारों तरफ इनके रोड के काम, एक्सप्रेस हाईवे के काम चल रहे हैं, इसलिए दबाव है। और कुछ इसमें इस पुलिया का और निर्माण होना चाहिए, जो पुलिया आ रहा है एक्सप्रेस हाईवे का, ये इस साइड में उतरना चाहिए था, जो उतरा नहीं, डायरेक्ट नीचे उतार दिया यहीं। तो ऐसी व्यवस्थाओं देखते हुए यहाँ ट्रैफिक का बहुत दबाव रहता है।